नमस्कार, एबीपी गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। प्रयागराज में मातृशक्ति महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने शिरकत की। इस दौरान पीएम मोदी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1,000 करोड़ की सौगात दी। पीएम मोदी ने महिला समूहों के खाते में रकम ट्रांसफर की। इस योजना के तहत 16 लाख महिलाओं को फायदा पहुँचेगा। कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी ने सबसे पहले महिलाओं से संवाद किया, जिसके बाद उन्होंने 202 टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी का मंच पर पहुंचने पर स्वागत हुआ। इस कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान पीएम का एक और रूप देखने को मिला। पीएम मोदी ने बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे दुलारने लगे। वहीं मातृशक्ति महाकुंभ में महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। पीएम के कार्यक्रम की ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग पड़ावों पर अलग अलग रूप पीएम मोदी के आप देख सकते हैं। महिलाओं के साथ संवाद किया गया, जो भारी संख्या में महिलाएं वहां पहुंची थी उनका अभिवादन स्वीकार किया गया। एक बच्चे को भी दुलारते हुए इस दौरान पीएम मोदी नजर आए और साथ ही अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास भी उन्होंने किया। किस तरह से जो नकदी महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई और महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ एक और कदम बढ़ाया गया, उन्हें बयां करती हुई ये 5 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का वादा जो चुनावों से पहले 2017 में बीजेपी ने किया था, अलग अलग तरीकों से कैसे उसे पूरा किया गया है। चाहे बात महिलाओं की सुरक्षा की हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की, हर वादे को पूरा करने की बात आज पीएम मोदी और सीएम योगी ने कही। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ खास बातें कही, वो आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 2014 से पहले के 5 वर्षों में जितनी मदद दी गई, बीते 7 साल में उसमें लगभग 13 गुना बढ़ोतरी गई है। देश भर के सैनिक स्कूलों के दरवाजे लड़कियों के लिए खोल देने का काम हमारी सरकार ने किया है। रैप जैसे संगीन अपराधों की तेजी से सुनवाई के लिए हमारी सरकार देश भर में करीब 700 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित कर चुकी है। मुस्लिम बहनों को अत्याचारों से बचाने के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून हमारी सरकार ने बनाया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले, इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं। भाई और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी, उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। बेटियां ठीक से पढ़ाई कर सके, उनको स्कूल बीच। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं प्रयागराज का, जहां हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि चुनावों में जो महिलाओं वोट बैंक की जो भागीदारी होती है, महिला वोटरों की जो भागीदारी होती है, वो उत्तर प्रदेश में भी सभी पार्टियां अब समझ रही हैं। खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी इस पर
बढ़ चढ़कर बात कर रही थी, लेकिन इस बीच आज प्रदेश सरकार के इस कार्यक्रम को कैसे देखा जाए? देखिए, अगर पूरे कार्यक्रम के सार की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी आबादी को साधने की पूरी कोशिश की, उन्होंने पूरी जोर आजमाइश की। क्योंकि सरकारी कार्यक्रम था, उन्होंने किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, किसी विपक्षी पार्टी के किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारे में उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई तमाम योजनाओं के जरिए महिलाओं को लुभाने की पूरी कोशिश की। उनसे इस बात की अपील की कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, उन पर एक बार फिर से भरोसा जताएं, क्योंकि इसी राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं। तमाम महिलाएं हमारे साथ यहां मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं। सामने की तरफ आप लोग आ जाइए। प्रधानमंत्री जी को आप लोगों ने सुना, क्या बात है उनकी जिसने आप लोगों को प्रभावित किया और क्या फैसला आगे आप लोग करेंगे? मैं अंजलि जायसवाल, मैं प्रयागराज से हूँ, और मैं ये कहूँगी कि जो मोदी जी ने जितनी चीज़ें इन्होंने कही महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, इतनी अच्छी बातें इन्होंने की है कि जिससे दिल प्रसन्न हो गया। जो महिलाएं घर पे थीं और गांव के जो पाथ रही थी गोबर या चूल्हे के खाने में खाना, पर आज वो LPG का सुविधा दिया उन्होंने, और क्या बोलते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए। आप बताइए कि प्रधानमंत्री ने जो आज भाषण दिया, तकरीबन आधा घंटे उन्होंने भाषण दिया, कौन सी बात है जिसने आपको सबसे ज़्यादा अपील की, थोड़ा आगे आ जाइए। उन्होंने सबसे ज़्यादा महिलाओं को प्राथमिकता दी है। पहले हमेशा पुरुष वर्ग आगे रहते थे हमेशा, लेकिन इस बार मतलब उन्होंने इतनी योजनाएं लाई हैं कि महिला आगे बढ़ गई हैं, और महिलाओं को भी लगता है कि उनके पास कुछ अधिकार आ गए हैं, तो उनमें एक अलग सा आत्मविश्वास आया है। तो ये चीज़ मोदी जी की बहुत। आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब ये ऐलान किया कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, सरकार बनने पर स्कूटी देंगे, मोबाइल फ़ोन देंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं? नहीं, तो उनका कहना जो तो अपनी तरीके से ही कह रही है, और बाकी तो सरकार तो हमारी कर ही रही है। मोदी वही पे आदमी इंसान सच मानेगा ना, जो मोदी जी ने जो कर रहे हैं इन लोगों को वही। तो आप ये मानती हैं कि दूसरी पार्टियां वादा कर रही हैं, जो मौजूदा सरकार है उसने करके दिखा दिया? भैया, प्रियंका गांधी की सरकार 70 साल थी, उन्होंने महिलाओं को आज तक नहीं उठाया। 2014 से मोदी जी आज जब से आए हैं तब से सबको महिलाओं का ख्याल आ गया। इससे पहले प्रियंका गांधी को महिलाओं की याद क्यों नहीं आई? उनकी दादी भी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पिताजी भी प्राइम मिनिस्टर थे, तब महिलाओं को उनको ख्याल नहीं आया। आज जब मोदी जी मिशन शक्ति लेके चल रहे हैं तब आज उनको ध्यान आया कि महिलाएं। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा? सारे लोग वोट देंगे? क्यों वोट देंगी? मतलब पहले से ये फैसला था या कि आज के कार्यक्रम से प्रभावित होकर? पहले से ही फैसला था कि BJP ही जीतेंगे। उज्ज्वला एक कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम है, हम लोग ग्राउंड लेवल से जुड़े हैं, घर घर से गैस और चूल्हा दिया गया और एक रुपए का भी। आप भी कुछ कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, खासकर जो कुछ सरकार कर रही, क्या कहना? मोदी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और देखिए मोदी जी के रहते ही महिलाएं निर्भय होकर जी सकती हैं, आज प्रॉपर्टी खरीद रही हैं, आज देखिए कितने लोगों के नाम मकान हुए हैं, कितने बहुत सारे काम मोदी जी ने किए, और मोदी जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। एक धर्म की स्थापना भी मोदी जी कर रहे हैं, इसके अलावा किसी भी पार्टी ने आज तक इतना ध्यान नहीं दिया। एक साधारण परिवार की महिला दिख रही है, एक बच्ची के साथ है, बताइए आप ने भी प्रधानमंत्री को सुना? हाँ। क्या कहेंगे, क्या बातें अच्छी? हमका बहुत अच्छा लगा। क्या चीज अच्छा लगा आपको? अरे अब तो कुछ दिन नहीं भाभी, कॉलोनी भरे कुछ ना, ना घर ना द्वार कुछ नहीं है। मिल रहा है आपको? क्या कुछ मिल रहा है बताइए? सबको मिलेगा, बस थोड़ा समय का वेट किया जाए, और क्या। LPG मिल रही है सर, आधार कार्ड बहुत अच्छे से सबको मिल जा रहा है, पहचान मिल रहा है, राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि महिलाओं को स्वावलंबी बनना चाहिए, उनको सम्मान के साथ जीना चाहिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, खुद से रोजगार के अवसर तलाशने चाहिए, इस बात से कहीं प्रेरणा मिलती है आप लोग? बिल्कुल मिलती है, हिम्मत मिलती है, फैमिली सपोर्ट भी अब होने लगी है। पहले जिस घर में महिलाओं को आगे निकलने की नहीं चलने मिलता था, आज तो ये फैमिली भी सपोर्ट कर रही है कि महिलाओं को भी आगे निकलना चाहिए, बहू बेटियां भी घर के बाहर अब निकले, अपना नाम बनाए, अपना नाम को आगे बढ़ाए। जब आज प्रधानमंत्री मिल रहे थे आप लोगों की कुछ बहनों से, कुछ महिलाओं से मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो कहीं ऐसा लगा कि वो एक प्रधानमंत्री के तौर पे हैं या ऐसा लगा कि वो एक परिवार के मुखिया के तौर पर? बहुत सर, परिवार के मुखिया के तौर पे है सर, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब लग ही नहीं रहे थे वो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं। बहुत अच्छा लग रहा था कि वो एक एक लोगों का ख्याल रखते हैं, हर लोगों का, छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने गोद में बिठा लिया। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लग रहा था, इस चीजों से हम लोग भी खुश हैं, और जितनी यहाँ महिलाएं थी उन लोगों को भी देश, सब की बातें सुन के भी यही लग रहा था कि बहुत खुश थे। आप लोगों के मन में भी लालच आ रहा होगा कि काश हम भी अंदर होते, प्रधानमंत्री से मुलाकात।
ऑब्वियसली सर क्यों नहीं, कुआं पास में और प्यासे दूर रहे कैसे हो सकता है, आप सोचिए। होनी चाहिए राहत। बिल्कुल, आप देख सकते हैं उदेश की यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो काफी खुश नजर आ रही हैं। एक बार मैं ये भी चाहूंगी कि जो ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई महिलाएं अगर आपके आसपास हैं, जो बात पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही कि जब एक बच्ची का जन्म होने वाला होता है वहां से लेकर और उसकी वृद्ध अवस्था तक के लिए हर पड़ाव के लिए योजना स्कीम है और लाभ दिया जा रहा है, तो उस महिला से पूछिए, ग्रामीण महिला से पूछिए, उसे उसकी बच्ची को किस किस तरह का लाभ मिल रहा है मौजूदा सरकार के द्वारा। देखिए, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोग ग्रामीण परिवेश से आती हैं, ठीक है ना, तो आप लोगों को जो मौजूदा सरकार है उससे किस तरीके का लाभ मिल रहा है और आगे किस तरह की उम्मीदें हैं मौजूदा सरकार से? रोजगार नहीं दे रहे हैं ना बच्चे लोग को, बस और क्या। और महिलाओं को क्या फायदा हुआ रहा है, कम से कम महिलाओं के अंदर एक आत्म फायदा है। महिलाओं को तो बहुत फायदा हुआ है। किस तरीके का फायदा हुआ है? अरे समूह वगैरह बता दिए हैं और सिलेंडर घर का गृहिणियों को बहुत सारा काम दे दिए हैं और क्या। अब बस सुरक्षा प्रायोरिटी पहले रखती है सर। आपको लगता है कि अब जब आप घर के बाहर कदम रखती है तो खुद को सुरक्षित? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देखिए, कुछ और महिलाएं हैं हमारे साथ जो खासकर ग्रामीण परिवेश की है, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग रुकिए जरा सा, ये बताइए कहाँ से आई हुई हैं? सीखड़ ब्लॉक से। ए भाभी, किस जिले से आई हुई? मिर्जापुर जिला। मिर्जापुर जिले से। प्रधानमंत्री को आपने सुना, क्या बात उनकी अच्छी लगी? अरे सर, हम लोग सुने कहाँ, जब आए तो प्रधानमंत्री चले गए। आप लेट में आई है क्या? तो आप तो बगल के जिले की है तब भी लेट। अब हमारा बस लेट हो गया पीछे, तो हम क्या करें, हमारे अधिकारी हमसे पीछे हो गए। तो तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो कि पिछड़ गईं, आपने सुना था कि नहीं? आपने ही नहीं सुन पाई जो है। तो तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो कि नजदीक के जिले से आ रही थी, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी संख्या में बसों से महिलाओं को लाया जा रहा था, वो कार्यक्रम में थोड़ा देर से पहुंची। लेकिन राज में जहां एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें लाखों महिलाओं के बीच उनके लाभ के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही है इसके बारे में जानकारी दी गई और साथ ही लाभार्थी महिलाओं से भी रूबरू प्रधानमंत्री मोदी हुए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता नीतीश पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीतीश, जो महिलाएं वहां पहुंची और जिस तरह का प्रभाव इस तरह के कार्यक्रमों से बन रहा है, क्या असर धरती पर, जमीन पर, उत्तर प्रदेश के चुनावों में इसका दिख रहा है? निश्चित तौर पे आज प्रयागराज की धरती से प्रत्यक्षम किम प्रमाणम का जो नारा दिया गया उससे साफ तौर पर आने वाले चुनाव की दिशा दर्शाने का काम किया है प्रधानमंत्री। नीतीश से दोबारा से संपर्क करेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि आज सेल्फ हेल्प ग्रुप की 16 लाख महिलाओं को 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई है। इसके अलावा भी अलग अलग योजनाओं के द्वारा महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया है। और मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, जिस तरह से आपने बात की महिलाओं से और ग्रामीण महिलाओं से भी ये जानने का प्रयास किया कि किस तरह की मदद उन्हें मिल रही है, लेकिन महिलाओं के बीच माहौल इन तमाम योजनाओं का कैसा है? क्या वाकई इनका जो लाभ मिल रहा है जिस तरह से प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, क्या महिलाओं को वाकई धरातल पर भी वैसा लाभ मिल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर एक बात कही जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि समूचे उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं हैं, जो आधी आबादी है, उनको उन्होंने एक भरोसा दिलाने की कोशिश की। आज वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, एक पार्टी के नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक परिवार के मुखिया के तौर पर नजर आए। 5 मिनट तक उन्हें महिलाओं से सीधे संवाद करना था, बातचीत करनी थी, लेकिन इसके बाद वो करीब 45 मिनट तक रुके रहे। 45 मिनट तक वो अलग अलग महिला समूहों के बीच उनसे उन्होंने बातचीत की, लेकिन साथ ही साथ जब उन्होंने भाषण दिया तो वो भाषण सिर्फ यहां मौजूद महिलाओं के बारे में नहीं था, बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश की महिलाओं के बारे में था। आधी आबादी को उन्होंने भरोसा जरूर दिलाया और इस बात का भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार बेहतर काम कर रही है और आने वाले दिनों में भी महिलाओं के लिए बेहतर काम करेगी। देखिए, तमाम और महिलाएं हमारे साथ जुड़ गई हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बताइए कहां से आई हैं आप? सीखड़ ब्लॉक से। मिर्जापुर जिले से आई हुई हैं। ये बताइए, ये जो सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि हम महिलाओं के बेहतर के लिए काम कर रहे हैं और आगे काम करना चाहते हैं, तो आप लोगों को उसका कुछ फायदा मिल रहा है? आगे क्या उम्मीद है आप लोगों को? बताइए। तो
आप कौन बोलना चाहेगा, आप बोलिए जो है। तो तमाम ये ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं, थोड़ा संकोच कर रही हैं कैमरे के सामने बोलने से, शर्मा रही हैं, लेकिन ये मौजूद है उस टीम में जो कि मंच के ठीक नीचे बना हुआ था और महिलाओं की मौजूदगी इस कार्यक्रम में काफी कुछ बयां करती है और चुनावों में एक बड़ा फैसला इस तरफ से आ सकता है। संगम नगरी प्रयागराज में प्रदेश सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चियों की शिक्षा को लेकर क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। बेटियां ठीक से पढ़ाई कर सके, उनको स्कूल बीच में ना छोड़ना पड़े, इस पर भी हमने लगातार काम किया है। स्कूलों में बेटियों के लिए अलग टॉयलेट बनाना हो या फिर सैनिटरी पैड को गरीब से गरीब बेटियों के लिए सुलभ कराना हो, हमारी सरकार किसी भी काम में पीछे नहीं रही है। हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म ले, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया है।